नदी में तीन युवतियों का शव बरामद किया गया है। नहाने के दौरान नदी में तीनों युवतियां डूबी थी। पांच युवतियां ज्योतिया व्रत के दौरान नहाने के दौरान हादसे का शिकार हुई थी। शव बरामद होने के बाद लोगों ने सड़क जाम किया है। जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। कल ज्योतिया व्रत के दौरान नहाने के दौरान यह हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि ज्योतिया व्रत पर व्रतियों के साथ सोन नदी में स्नान करने ये पांचों युवतियां गई थी और तेज धार में बह गई। सभी चांदी थाना क्षेत्र के रहने वाली बताई जा रही है, जिसके बाद आज सुबह ही शव की तलाशी शुरू की गई। दो लापता युवतियों की तलाश अब भी की जा रही है। अहम खबर, जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे हादसे सामने आए हैं जहां पर डूबने से लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है, मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। सहयोगी विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विशाल, कैसी स्थिति, जानकारी मिल रही है कि अब भी शव की बरामदगी के लिए कोशिश की जा रही है? जी, अभी अभी जानकारी मिली है कि पांचों शव जो युवतियों के शव थे वो बरामद कर लिए गए हैं। एसबीआरएस की टीम ने खोज निकाला है। हालांकि सुबह में इसको लेकर सड़क जाम भी किया गया था जब तीन युवतियों के शव बरामद किए गए थे। उस दौरान ग्रामीणों का आरोप था कि एसडीआरएफ की टीम समय पर नहीं पहुंची और जिला प्रशासन के ना ही अधिकारी पहुंचे थे, इसलिए लोगों में आक्रोश था। लेकिन जब एसडीआरएफ की टीम पहुंची और देर शाम तक अभी भी थोड़ी देर पहले पांचों शव बरामद कर लिया गया है। इस पर विधायक मनोज मंदिर जो अभियान के माले विधायक हैं, उन्होंने भी किसी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनका कहना है कि बालू माफियाओं की साठगांठ के कारण यहाँ अवैध खनन हुआ था, जिसमें जब पांचों युवतियां थी जो डूब गई थी। विशाल, क्या पांचों की पहचान कर ली गई है और इसके साथ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इन पूरे मामलों पर? जी जी, पांचों युवतियों की कल ही पहचान हो चुकी थी, क्योंकि जब से वो लापता थी उनके परिजन उन लोगों के पहचान कर लिए थे, जिसमें चार वही चांदी गांव की रहने वाली थी जबकि एक उदवंत नगर की युवती थी। और पांचों का शव आज ही बरामद कर लिया। जिला प्रशासन ने मुआवजे को लेकर भी कहा है कि जल्द ही इन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा। बिल्कुल विशाल, नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योतिया व्रत के दौरान नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है और जानकारी मिल रही है कि पांचों शव बरामद कर लिए गए हैं। परिवार में मातम की स्थिति है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इन पूरे मामले पर बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी खबर सामने आ रही है, ये खबर आपको आरा से बता रहे हैं। और तमाम जगहों से ऐसी जानकारी मिल रही है जहां पर जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान नहाने गई युवतियों के साथ बच्चों के साथ ये हादसा पेश आया है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है सावधानी, और अगर आपके परिवार के सदस्य जा रहे हैं तो नजर उन पर बनाए रखें, सावधानी से। कोई रीति रिवाज है तो उसका पालन करें। अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। बहरहाल ये खबर, और इसके बाद अब आरा में प्रशासन की भी नजर है इन तमाम मामलों को लेकर, और परिवार के लोगों को भी जानकारी दे दी गई।